हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास टोयोटा कंपनी की फॉर्च्यूनर गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये गाड़ी कहीं और गैरेज से फुल सस्पेंशन का काम करके आई हुई है हमारे पास। तो फ्रेंड, इसमें जब ब्रेक मारते हैं या स्टीयरिंग राइट या लेफ्ट काटते हैं तो टप टप आवाज़ आता है, ऐसा आवाज़ आता है जैसे कुछ गाड़ी में से टूट के बाहर आ जाएगा। तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया है, तो हम इसे चेक करेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है, किस कारण से उसका आवाज़ आ रहा है, क्यों आ रहा है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करके बंद करके देंगे। सबसे पहले तो हम गाड़ी स्टार्ट करके आपको साउंड सुनाते हैं। देखिए, तो इसका आवाज़ सुनिए है, हमने गाड़ी स्टार्ट किया है, देख सकते हैं। अब हम आगे पीछे करते हैं और आपको इसका साउंड सुनाते हैं। जैसा कि आपने साउंड सुना, आगे पीछे करने पे हमारा दम टक ठक ठक दम आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे टूट रहा है। तो फ्रेंड, हम इसका दोनों व्हील ओपन करेंगे और दोनों व्हील ओपन करके आगे से चेक करेंगे कि ब्रेक मारने पे या स्टीयरिंग काटने पे क्यों ये आवाज़ आ रहा है और किस कारण से आवाज़ आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम इसका दोनों व्हील ओपन करते हैं और ओपन करके इसको चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हम इसका दोनों व्हील ओपन कर रहे हैं, ये हमारे मीरा जी ओपन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों व्हील हमने ओपन कर लिया है। अब हम इसको जैक मारकर दोनों गाड़ी को हाइट पे करेंगे और स्टैंड लगाकर और उसका व्हील ओपन करके फिर चेक करते हैं कि सस्पेंशन में सामने वाले ने क्या क्या पार्ट्स चेंज किया है, क्या क्या नहीं किया है, सस्पेंशन का काम किया है या नहीं किया है। जो भी है, हम अब एक व्हील ओपन करते हैं। व्हील ओपन करने के बाद एक एक पार्ट को चेक करेंगे, इसमें क्या क्या रिप्लेस किया है, क्या क्या नहीं किया है। क्योंकि ये फ्रेंड, ये आवाज़ के कारण ही उन्होंने सस्पेंशन का काम कराया, लेकिन आवाज़ बंद सस्पेंशन काम होने के बाद ये आवाज़ बंद नहीं हुआ है। तो हम इसे चेक करेंगे ये आवाज़ किस चीज़ का है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसका व्हील हमने ओपन कर दिया है दोनों साइड का। तो सबसे पहले तो हम इसको चेक करते हैं, ऊपर ऊपर हमें कुछ दिखता है क्या। अब फ्रेंड, ऐसा तो हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसा नया जैसा हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि सस्पेंशन का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें इसका एक एक पार्ट्स ओपन करेंगे, ये व्हीलजन को यहाँ से नेकल से ओपन करके व्हीलजन चेक करेंगे, इसका लिंकेज चेक करेंगे, स्टीयरिंग का जो टायर रॉड है ये चेक करेंगे, स्टीयरिंग बॉल जॉइंट चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें हम ओपन करके चेक करते हैं। चीज़ें हम पहला ओपन करते हैं और ओपन करके एक एक चीज़ चेक करेंगे, इसमें क्या रिप्लेस किया है, क्या नहीं किया है, और ये आवाज़ का कारण भी हम ढूंढेंगे, ये आवाज़ किस कारण से आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये नेकल को हम बाहर निकालते हैं। नेकल को बाहर निकाल करके और उसके बाद इसका सब चीज़ चेक करेंगे, इसका अपर का व्हील जॉइंट, लोअर का व्हील जॉइंट, टायर रॉड, स्टीयरिंग बॉल जॉइंट, कैची का बुशिंग भी चेक करेंगे कि कहीं कैची का बुशिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है कि ब्रेक मारने पर या टर्न करने पर आवाज़ आता है। जो भी है हम चेक करेंगे। अब हम इसका खोलना चालू करेंगे, खोल के फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम इसका सस्पेंशन ओपन करना चालू कर रहे हैं। इसका हमने कैलिपर खोल के बाहर ले लिया है, इसका डिस्क भी ओपन करके इधर रखा है, देखिए। अब इसका नेकल हम निकालेंगे और नेकल निकालने के बाद फिर इसका एक एक पार्ट चेक करेंगे हम कि सस्पेंशन में क्या क्या पार्ट्स उन्होंने चेंज किया है, क्या क्या नहीं चेंज किया है। अब ओपन करने के बाद ही इसको हम चेक कर सकते हैं क्योंकि व्हील जॉइंट कैसे चेक करेंगे, देखिए नेकल में फिट है, जब नेकल से ओपन करेंगे तो ही हम इसका व्हील जॉइंट ऊपर नीचे का चेक कर पाएंगे। लिंकेज बाहर खोल कर निकाल के चेक करेंगे, स्टीयरिंग देख सकते हैं, स्टीयरिंग बॉल जॉइंट तो अच्छा है, ये टायर रॉड भी इसका अच्छा है, ये तो दिख रहा है कि हाँ चेंज किया गया है, देखिए एकदम टाइट है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका एक एक चीज़ चेक करते हैं कि क्या क्या इसमें रिप्लेस किया गया है, क्या क्या नहीं रिप्लेस किया गया है। अब हम इसका लिंकेज ओपन कर रहे हैं, लिंकेज भी ओपन करके चेक करेंगे और उसके बाद इसका अपर और लोअर का व्हील जॉइंट ओपन करके चेक करेंगे। लिंकेज कैसा है, हिलाइए। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये देखिए
ये लिंक रॉड इन्होंने चेंज नहीं किया है सस्पेंशन के काम में। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए एकदम फ्री है। सबसे पहले तो इन्हें लिंकेज चेक कर चेंज करना चाहिए। क्या सस्पेंशन का काम किया गया देखिए आपके सामने, ये देखिए एकदम हार्ड रहता है, ये देखिए एकदम नरम हो गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं ये फुल सस्पेंशन का काम करके आए हैं किसी गैरेज से, ये काम हुआ है गाड़ी में, लिंक रॉड चेंज ही नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड, और बाकी हम और भी चीज़ें चेक करेंगे कि क्या क्या इसमें रिप्लेस किया गया है। का व्हील जॉइंट हम ओपन कर रहे हैं, इसे भी ओपन करके व्हील जॉइंट भी चेक करेंगे कि रिप्लेस किया गया है कि नहीं। अपर लोअर का दोनों व्हील जॉइंट चेक करेंगे। तो फ्रेंड, ये नेकल हम बाहर लेते हैं, नेकल को बाहर लेकर उसके बाद आपको अपर और लोअर का व्हील जॉइंट भी दिखाते हैं। फ्रेंड, ये हमने नेकल भी बाहर ले लिया है, अब हम इसका जो अपर लोअर का व्हील जॉइंट है उसे चेक करेंगे। फ्रेंड, इसमें कुछ भी काम किया गया नहीं है, देखिए व्हील जॉइंट भी वही हाल है, व्हील जॉइंट का भी कंडीशन ख़राब है। ये देखिए, ये गाड़ी वाले बोलते हैं कि सस्पेंशन का काम किया है, ये देखिए एकदम टाइट रहता है, एकदम कड़क। तो ये व्हील जॉइंट भी फ्रेंड हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। नीचे का भी व्हील जॉइंट देखिए, नीचे का व्हील जॉइंट का भी वही कंडीशन है। इसको हम कैंची बाहर लेते हैं, फिर इसको ओपन करके फिर आपको नीचे का व्हील जॉइंट दिखाते हैं। तो फ्रेंड, इसका हम पूरा सस्पेंशन ओपन करके एक बार चेक करेंगे अच्छे से कि क्या क्या रिप्लेस किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ हमें लगता नहीं है कि रिप्लेस किया गया है इसका हाल देख के। तो इसका हम कैंची का बुश भी एक बार बाहर निकाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका कैंची भी ओपन कीजिए, कैंची भी ऊपर नीचे का कैंची सब ओपन कीजिए एक बार अच्छे से चेक करके, फिर उसको धो धा कर ऑयलिंग ग्रीसिंग करके लगाएंगे। जो चेंज करने लायक रहेगा वो चेंज करेंगे, जो नहीं करने लायक रहेगा वो नहीं करेंगे। ठीक है, कैंची भी ओपन कीजिए। ठीक है, ऊपर का कैंची बाहर निकाल रहे हैं, इसके बाद हम नीचे का कैंची बाहर लेंगे और बाहर निकाल कर उसका बुश चेक करेंगे कि बुश का क्या कंडीशन है। एक साइड में आपको लॉक करना पड़ेगा, उस साइड घूमता रहेगा देखिए। तो फ्रेंड, हम ये लेफ्ट साइड का ओपन कर रहे हैं, ये जिस प्रकार से हम लेफ्ट साइड का ओपन कर रहे हैं उसी प्रकार से राइट साइड का भी ओपन करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये ऊपर के कैंची में इतना लंबा बोल्ट आता है, नट बोल्ट। ठीक है, कैंची को बाहर ले लीजिए, ये देखिए ये हमारा ऊपर का कैंची है। फ्रेंड, इसका बूश का कंडीशन तो सही दिख रहा है, देख सकते हैं अपर के बूश का कैंची का कंडीशन ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा डैमेज दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा कटा के देखेंगे। बाजू कटाइए, ठीक रहने दीजिए, थोड़ा थोड़ा क्रैक दिख रहा है फ्रेंड, ये तो फिलहाल हम चला सकते हैं। तो अब हम फ्रेंड नीचे का कैंची ओपन करना चालू करेंगे और नीचे का कैंची भी ओपन करके उसका भी बूश चेक करेंगे। पाइप ले लीजिए, पाइप रुकिए, पाइप दो। ठीक है फ्रेंड, तो नीचे का कैंची भी हम ओपन करना चालू कर रहे हैं, देखिए ओपन करना चालू है। तो नीचे का कैंची हम ओपन करके फिर उसका बूश आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका नीचे का कैंची का बोल्ट लूज किया जा रहा है फ्रेंड, बहुत टाइट है। एक साइड का बोल्ट हमने लूज कर लिया है, देख सकते हैं दूसरे साइड का लूज कर रहे हैं। तो गाइस, जरा हम राइट साइड का भी ज़रा चेक करते हैं कि हमारे मीरा जी राइट साइड का ओपन कर रहे हैं सस्पेंशन, कहाँ तक ओपन किए, कितना ओपन किए हैं। हमारे मीरा जी भी राइट साइड का काफ़ी ओपन कर चुके हैं, तो यहाँ का भी हम व्हील जॉइंट जरा चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ का भी व्हील जॉइंट पूरा गया हुआ है, ये देखिए क्या सस्पेंशन का काम किया गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ये देखिए एंड और बॉल जॉइंट खाली इसमें दिखता है कि जैसे चेंज किया गया है, बाकी तो सब वीक है। ठीक है फ्रेंड, इसमें सिर्फ स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट और टायर रॉड दो ही चीज़ अच्छा दिख रहा है, वो भी देखिए इसमें बूट फटा हुआ भी है टायर रॉड का, ये देखिए, पर टायर रॉड अच्छा है तो हम इसको चेक करते हैं, अगर होएगा तो हम इसका टायर रॉड का बूट एक रिप्लेस कर देंगे। साइड का देख सकते हैं कैंची बाहर आ रहा है। तो फ्रेंड है हमारा कैंची भी बाहर आ चुका है, तो थोड़ा स्क्रूड्राइवर डाल के थोड़ा कटाइए। देखिए फ्रेंड थोड़ा थोड़ा क्रैक जैसा दिख रहा है बूश, थोड़ा हम स्क्रूड्राइवर से कटा के चेक करेंगे। ये बाजू का देखिए, देखिए फ्रेंड ये थोड़ा सा फटा हुआ दिख रहा है बूश। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं हमने लेफ्ट साइड का सस्पेंशन पूरा खोल दिया है, ठीक है, वो ऊपर नीचे का दोनों का कैंची खोल दिया है, इसका जितने भी सारे चीज़ आते हैं खोल दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा बॉल जॉइंट और टायर रॉड और बॉल जॉइंट अच्छा है, इसके लिए हमने इसको ओपन नहीं किया है। सॉकअप भी अच्छा ही लग रहा है, इसके लिए हमने ओपन नहीं किया है क्योंकि हमें इसमें सिर्फ आवाज़ बन करके देने का है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा लेफ्ट साइड का खुल चुका है, अब हम राइट साइड का भी चेक करेंगे क्योंकि हमने सॉकअप इसके लिए ओपन नहीं किया है, क्योंकि क्या है इसका जंपिंग वम्पिंग में कुछ आवाज़ नहीं है, खड्डे में कुछ आवाज़ नहीं है, सिर्फ जब ब्रेक मारते हैं आगे पीछे करके सब टक टक एकदम आवाज़ आता है ठक ठक करके, और नहीं तो स्टीयरिंग आप राइट मारेंगे, राइट मार के थोड़ा आगे गाड़ी बढ़ाएंगे, ब्रेक मारेंगे वैसा टक करके आवाज़ आता है। तो इसके लिए हमें सिर्फ आवाज़ बंद करने का, उसके हिसाब से हम इसमें काम कर रहे हैं। तो हम राइट साइड का भी कैंची ओपन करके एक बार चेक करेंगे कि उसका नीचे का बूश का कंडीशन क्या है। ठीक है, ऊपर का कैंची का बूश ठीक है, व्हील जॉइंट वीक है। ठीक है, नीचे का ही कैंची निकाली है, नीचे का ही कैंची देखते हुए ज़्यादा करके जो साउंड का कंप्लेन है वो नीचे के कैंची की वजह से आता है, इसका बूश दब जाता है। फ्रेंड क्या होता है, इसका जो लेंथ रहता है चौड़ाई, उसका जो राइट लेफ्ट स्टीयरिंग मार मार के ना उसका लेंथ दब जाता है बूश का, तो इसके लिए ना ब्रेक मारने पे ना कैंची आगे पीछे हो सकता है या बूश आगे पीछे होने की वजह से टक टक ऐसा आवाज़ आ सकता है। तो हम इसका नीचे का ही कैंची पहले चेक करेंगे। ये हमारा फ्रेंड ज़्यादा करके राइट से आवाज़ आता है, ये हम राइट साइड का कैंची ओपन कर रहे हैं, राइट साइड का कैंची ओपन करके बाहर निकाल के और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड इसका बोल्ट का हालत देखिए, देख रहे हैं पूरा कचड़े से भरा हुआ है, एकदम रश पकड़ा हुआ है। ठीक है, निकालिए लोरम बाहर निकालिए, तो इसका नीचे का लोरम है। फ्रेंड जैसा कि हमने आपको बताया था, इसका जो आवाज़ है उसको हम चेक करेंगे कि आवाज़ किस कारण से वैसा आता है ब्रेक मारने पे एकदम टूटे जैसा ठक ठक करके। तो फ्रेंड हमने इसका कैंची नीचे का ओपन किया राइट साइड का, राइट से ही आवाज़ आ रहा था, तो देखिए हम आपको इसमें बताते फोल्ड क्या है। ये देखिए फ्रेंड, ये जो कैंची का बूश है इसका स्लू छोड़ दिया है, ये देखिए, तो देख रहे हैं, ये देखिए ये फ्री हो गया है, ये देखिए ये जाम होना चाहिए क्योंकि बूश के साथ में एकदम फिक्स आता है, ये देख रहे हैं, ये जब ब्रेक मारने पे ये आगे पीछे होएगा तो आपका गाड़ी जो है ठक ठक आवाज करेगा। देखिए ये देखिए एकदम फ्री हो गया है, ये साइड का देखिए, ये देखिए जाम है, ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा लेफ्ट साइड का कैंची है, हमारा लेफ्ट साइड से आवाज़ नहीं था। देखिए ये जो बूश का स्लू है ये लेफ्ट साइड में देखिए जाम है, इसके लिए हमारा लेफ्ट साइड से आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए ये घूमना नहीं चाहिए फ्रेंड, क्योंकि ये बूश के साथ में फिक्स आता है, ये अगर घूमेगा तो आपका गाड़ी आवाज़ करेगा। ये देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड का कैंची है, ठीक है, तो हमें इसमें बूश का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देखिए एक साइड से पूरा घूम रहा है, ये जब गाड़ी हम ब्रेक मारते हैं तो ये आवाज़ करता है, तो हम इसमें बूश रिप्लेस करेंगे। और हमने कल कस्टमर को बुलाया है ये सब दिखाने के लिए चीज़ें, उनको चेक कराने के लिए कि देखिए सामने वाले बंदे ने आपका सस्पेंशन का कुछ भी काम किया नहीं है, तो इसमें ये काम करना पड़ेगा। तो हम कल उनसे पूछेंगे क्योंकि इसका व्हील जॉइंट भी डालना पड़ेगा, व्हील जॉइंट भी इसका वीक है ऊपर नीचे का दोनों, और लिंकेज भी वीक है, और कैंची का बूश और बैलेंस रोड बूश
इतना सारे चीज़ हम उनसे पूछेंगे, वो जो बोलेंगे रिप्लेस करने के लिए वो हम रिप्लेस करेंगे। आवाज़ तो खैर उस हम चेंज करेंगे कैंची का, तो आवाज़ बंद हो जाएगा, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद चलने के बाद फिर विजन का आवाज़ आने लगेगा, लिंकेज का आवाज़ आने लगेगा, तो हम उन्हें समझाएंगे, वो जैसा बोलेंगे वैसा हम इसमें काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका बूस आपको रिप्लेस करके लेथ मशीन से जब लाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, हमने इसका जो नया बूस है ऑरेंज कर लिया, देख सकते हैं कैंची का। तो जैसा कि देख सकते हैं, हम इसका सिर्फ नीचे के कैंची का बूस रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि कस्टमर ने मना किया है ज़्यादा खर्चा करने के लिए, और ऊपर का हम खाली दो व्हील जॉइंट चेंज कर रहे हैं इसका। ये इसका हमने कैंची का बूस नया चेंज करके आया, देखिए लेथ मशीन से। ये हमने नीचे के कैंची में नया बूस बिठा दिया है, और ऊपर के कैंची में खाली इसका व्हील जॉइंट नया डाला है, देखिए। ठीक फ्रेंड, तो इसका खाली हम नीचे का कैंची का बूस रिप्लेस कर रहे हैं, और इसका व्हील जॉइंट रिप्लेस कर रहे हैं, और इसका लिंक रॉड रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर ने हमें बोला है कि सिर्फ हमें आवाज़ बंद करके दीजिए, बाकी जो है चलने लायक उसको चलने दीजिए, हमें गाड़ी सेल करना है, हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले भी वो बोलते हैं हमने 60-70 हज़ार सस्पेंशन में खर्चा किया है। फ्रेंड, आपके सामने है इसमें गाड़ी में कुछ काम किया हुआ है नहीं, तो इसके हिसाब से हम खाली इसमें जितना हो सके खाली आवाज़ बंद करने लायक उतना ही सामान डाल रहे हैं। तो इसका जो कैंची का बूस है, देखिए एक कैंची का बूस रिप्लेस कर रहे हैं, इसका व्हील जॉइंट रिप्लेस कर रहे हैं, और इसका लिंक रॉड जरा लाइए। ये हमने लिंक रॉड भी अरेंज किया है, इसका नया लिंक रॉड है दोनों। ठीक है, तो अब हम कैंची नीचे का कैंची फिट करेंगे, फिट करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बोल्ट को ग्रीसिंग कर लेंगे अच्छे से। छोटा वाला बोल्ट आगे डालिए। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा नीचे का कैंची बैठ चुका है, अब हम ऊपर का भी कैंची फिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा ऊपर का कैंची और नीचे का कैंची बैठ चुका है, अब हम इसका नेकल वेकल लगाएंगे, और नेकल लगाने के बाद इस पर जेग मार के, और उसके बाद फाइनल जो कैंची का बोल्ट आता है ऊपर नीचे का, तब हम टाइट करेंगे, ऐसे नहीं टाइट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि क्या होता है आप समझ लीजिए, ये पोजिशन पर इसको टाइट कर देंगे नीचे का ऊपर का दोनों बोल्ट, तो क्या होगा जब आपका गाड़ी बैठेगा तो बूस घूम जाएगा, तो इसके लिए कभी भी ये नेकल लगा के इस पर जग मार कर एक लेवल में करके तब ऊपर का कैंची का बोल्ट और नीचे का कैंची का बोल्ट फाइनल टाइट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट साइड का है, इसी प्रकार से हम लेफ्ट साइड का भी करेंगे। अब हम आपको नेकल लगा के दिखाते हैं, इसका नेकल लगाइए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने ऊपर का कैंची दिखा दिया है, अब नीचे का दिखाएंगे। बोल्ट में ना आपका कैम्बर सेटिंग आता है, उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो बोल्ट है इसको आप ऐसा मतलब बाहर करके मत लगाइएगा, जैसे ये हो गया, देखिए आप समझ लीजिए इस पर टाइट कर रहे हैं, ऐसा इधर गैप है तो इस पर मत लगाइएगा, इसको आप प्रॉपर ऐसा घुमा कर एक पोजीशन पे ऐसा अंदर बैठना चाहिए आपको, वाइसर चिपकना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, ये वाइसर को ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड का आपका वाइसर ऐसा ऊपर पोजीशन में आना चाहिए, देखिए दोनों साइड का, नीचे के पोजीशन पे नहीं। ये हमारा लेफ्ट साइड का भी कैंची दोनों फिट हो चुका है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेकल लगाकर इसको जग मार कर उसके बाद ही हम फाइनल चारों बोल्ट इसका टाइट करेंगे कैंची का। ठीक है, तो अब नेकल लगाना चालू करते हैं। नेकल लाइए, इसे नेकल लगाकर और उसके बाद से कैंची नीचे के कैंची पे जेग लेकर एक लेवल में करके, और उसके बाद हम फाइनली इसका कैंची का बोल्ट टाइट करेंगे, अभी नहीं टाइट करेंगे। ये पोजीशन फ्रेंड, ये भी हम आपको पोजीशन बताते हैं, ये जब इसमें लगाएंगे तो ये कट पोजीशन है बाहर आपका रहेगा, ये प्लेन वाला जो है अंदर रखिएगा, इस तरह से बताइए। ये देखिए इस तरह से आपको लगाना है, अगर ये आप उल्टा लगा देते हैं तो ये आपका इसमें डिक्स में टच होएगा, देखिए ये जो है इसमें आपका ये टच होएगा, बैठेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ये पोजीशन में इसको लगाने का है, नीचे का एक गुटका अगर आप ओपन करते हैं तो देख लीजिए ये जो कॉलर है बाहर आना चाहिए इस पोजीशन में। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसका हम नेकल लगाकर
डिक स्विच लगाकर, कैलिपर लगाकर फाइनल टाइट करके, और उसके बाद आपको इसको जैक मार कर कैंची का बोल्ट आपको टाइट करके दिखाते हैं। हमारा लेफ्ट साइड का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेफ्ट साइड का सस्पेंशन हमने पूरा फिट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, सिर्फ इसे फाइनल जो कैंची का हमने आपको बताया था, ऊपर नीचे का जो बोल्ट है, हम नीचे कैंची पे जैक लगा के प्रॉपर पोजीशन पे इसको लेकर और उसके बाद ऊपर और नीचे कैंची का बोल्ट फाइनल टाइट करेंगे। सिर्फ इतना ही बाकी है। ठीक है, तो हमारा राइट साइड का भी फिटिंग चालू है, अभी राइट साइड का भी फिट हो रहा है, लेफ्ट साइड का कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए राइट साइड का भी फिट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, जब दोनों साइड का हमारा फाइनल फिट हो जाएगा तो उसके बाद से हम कैंची पे जैक लगा कर और ऊपर का कैंची का, नीचे का कैंची का फाइनल बोल्ट टाइट करेंगे। ठीक है, और हम आपको दिखाएंगे बोल्ट टाइट करते समय नीचे का जो बोल्ट आता है फ्रेंड की क्या होता है, उसमें कैम्बर सेटिंग आता है फ्रेंड, तो उसको हमें जो पोजीशन है पोजीशन पे रखकर उसके बाद ही उसका बोल्ट टाइट करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका फाइनल अलाइनमेंट भी कराना पड़ेगा क्योंकि उसमें कैम्बर सेटिंग दिया जाता है। तो हम इसको अपने हिसाब से धागे से कैम्बर सेटिंग कर देंगे और उसके बाद से एक बार कंप्यूटर पे ले जाके चेक करा लेंगे अलाइनमेंट में। ठीक है, तो ये हम लेफ्ट साइड के कैंची पे जैक लगा रहे हैं, जब तक बॉडी से स्टैंड ना छोड़े तब तक उठाइए। हाँ बस ये आप देख सकते हैं हमने नीचे कैंची पे जैक लगा कर लेवल एक पोजीशन पे ले लिया है। अब हम ऊपर का जो बोल्ट आता है, ऊपर का नीचे का दोनों बोल्ट फाइनल टाइट करेंगे। सबसे पहले ऊपर का बोल्ट टाइट कीजिए। तो फ्रेंड, ये हमारा ऊपर का भी बोल्ट टाइट हो चुका है। अब हम नीचे का कैंची का जो बोल्ट आता है कैम्बर बोल्ट, उसको फाइनल टाइट करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, दोनों वाइसर का जो पोजीशन है ऊपर की तरफ रखिएगा, नीचे मत रखिएगा, नहीं तो आपका कैम्बर सेटिंग आउट हो जाएगा। हम आपको बताते हैं, ये देखिए हमने वाइसर का दोनों पोजीशन ऊपर की तरफ रखा है, ये नट के साइड से भी और यहाँ पे देखिए बोल्ट के साइड से भी, ये देखिए। ठीक है, तो आपको भी यही पोजीशन पे रखना है दोनों साइड का, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा नीचे का कैंची का बोल्ट फाइनल टाइट हो रहा है। फ्रेंड, हम इसको पाइप लगा कर नहीं टाइट करेंगे, हाथ से ही टाइट करेंगे क्योंकि इसको अलाइनमेंट पे, फाइनल अलाइनमेंट होने के बाद पाइप लगा के टाइट करेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा टाइट कर दिया और अलाइनमेंट वाले से नहीं खुला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये देख सकते हैं ये हमारा बाहर का बोल्ट टाइट हो चुका है, इसमें दो कैंची का बोल्ट आता है नीचे, दूसरा बोल्ट टाइट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा लेफ्ट साइड का जो है, जो भी प्रोसेस था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमारे सस्पेंशन का जो भी पार्ट हमने ओपन किया था सारा फिट कर दिया है। इसका जैसा कि हमने आपको बताया था कि कैंची पे जैक लगाकर हम ऊपर नीचे कैंची का फाइनल बोल्ट टाइट करेंगे, वो भी हो गया है। अब इसी प्रकार से हम राइट साइड का भी करेंगे, ये हमारा लेफ्ट साइड का हो गया है। ठीक है, जैक राइट साइड ले लीजिए, जब तक आपका स्टैंड बॉडी से ना छोड़ दे तब तक उठाइए। बस कीजिए। तो फ्रेंड, ये हमारा ऊपर का कैंची का भी बोल्ट फाइनल टाइट हो गया है। अब हम नीचे का बोल्ट टाइट करेंगे, ये पाना निकालिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये अब हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते, हमने एक साइड का व्हील भी लगा दिया है, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का व्हील लगा कर और डाउन कर रहे, देखिए साइड का व्हील हम लगा कर अब डाउन कर देंगे लेफ्ट साइड, राइट साइड से भी, तो ये हमारा गाड़ी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करके आगे पीछे करके चेक करेंगे जो हमारा साउंड का कंप्लेन था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। फ्रेंड, हमने इसका एयर फिल्टर भी ओपन किया था जिसे हम लगा रहे हैं। कैंची का जो ऊपर का बोल्ट रहता है लंबा वाला, वो आप जब तक एयर फिल्टर ओपन नहीं करेंगे तब तक वो बोल्ट निकलेगा नहीं, तो आपको ऊपर का जो कैंची का बोल्ट है वो निकालने के लिए इसका एयर फिल्टर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सारी चीज़ हो गया है, व्हील टाइट कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसका व्हील टाइट करते हैं और व्हील टाइट करके और उसके बाद से चेक करते हैं आगे पीछे करके साउंड जो हमारा आ रहा था वो हमारा बंद हुआ है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो ये व्हील टाइट कर रहे हैं, दोनों साइड का हम व्हील टाइट कर लेते हैं, उसका गाड़ी स्टार्ट करके फिर चेक करते हैं। सस्पेंशन काम पूरा हो चुका है, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके आपको चेक करके दिखाते हैं आगे पीछे करने पर जो साउंड आ रहा था वो हमारा बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको साउंड सुनाते देखिए,
फ्रेंड, किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। एक बार और दिखाते हैं हम आपको, देखिए 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 ये देखिए, ब्रेक मार रहे हैं हम, देखिए देखिए फ्रेंड, ऐसा ब्रेक मारने पे ऐसा आवाज आता था, ठक करके आवाज आता था ब्रेक फ्रेंड, जब अगर आगे लेके जब ब्रेक मारता था कस्टमर तो ऐसा ठक करके आवाज आता था कि उनको ऐसा लगता था जैसे टूट टूट के गिर रहा है। तो फ्रेंड हमने इसमें ज़्यादा काम किया नहीं है, हमने सस्पेंशन पूरा ओपन किया था, लेकिन सिर्फ जैसा हमारे कस्टमर जी ने बताया कि इसमें हमको ज़्यादा खर्चा नहीं करने का है, सिर्फ जो हमारा आवाज़ कंपनी ने हमसे सॉल्व करके दे दीजिए, क्योंकि उन्हें गाड़ी सेल करना है, बोलते हैं हम गाड़ी से परेशान हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड हमने इसमें ऐसा काम किया है कि जो उनका गाड़ी सेल करने का मन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने कम खर्चे में इन्हें अच्छा काम करके दिया है। सिर्फ इसका अपर लोरम का जो विंडन रिप्लेस किया है और नीचे कैंची का बुश रिप्लेस किया, बाकी हमने सौका पीछे टायर और कुछ रिप्लेस नहीं किया है, और एक लिंकर और रिप्लेस कर दिया है ताकि ये गाड़ी अच्छे से चला सके। अब साल दो साल तीन साल इनको कोई देखने जरूरत नहीं, आराम से गाड़ी चला सकते। ठीक है फ्रेंड, तो हम एक उसका ट्रेजर लेके आते हैं लंबा सा, और तब फिर से आपको एक बार आगे पीछे करके दिखा देते हैं। ठीक है सर जी, तो हम इसका जरा ट्रायल मार के आते हैं। ठीक है ठीक है, काटने में भी वो आ जाता था, ये देखिए ऐसा इस तरीके जब हम काट रहे हैं, देखिए ऐसे में ठक करके आ जाता था, देखिए। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, हमें फॉर्चुनर लेके निकले हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, ये देख सकते हैं जिसका हमने सस्पेंशन का काम किया है, जिसमें हमारा कंप्लेन था कि ब्रेक मारने पे दम ठक ठक टूटने जैसा आवाज आता था, स्टेयरिंग काटने पे भी आवाज आता था। देखिए हम ब्रेक मार रहे हैं, ये देखिए किस प्रकार कोई आवाज नहीं है, देखिए हमने ब्रेक मारा, सुन सकते हैं एकदम साइलेंट गाड़ी है। हमारा इसमें बूस्ट का प्रॉब्लम था कैंची का फ्रेंड, कैंची का जो बूस आता है उसका जो स्लू रहता है छोड़ दिया था, इसके लिए जब ब्रेक मारते थे तो उसके साथ में घुसता घूमता था कैंची, आगे पीछे होता था करके ठक ठक आवाज आता था। अब हम इसको फाइनल थोड़ा लंबा टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, और लेने के बाद फिर आपको गैरेज पे चलकर दिखाते हैं हम। ठीक है सारी जी, ये गाड़ी अपना पूरी तरह से ओके है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। टर्न मारने पे जो आवाज आता तो भी बंद हो गया है, आगे पीछे करने में ब्रेक मारने पर आवाज आता तो भी बंद हो गया है। ठीक है, और हमने इसका अलाइनमेंट भी करा दिया है, तो ये गाड़ी को पूरी तरह से थोड़ा वॉश कर दीजिएगा ताकि कस्टमर थोड़ा खुश हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड ये आज का हमारा वीडियो था, ठीक फॉर्चुनर का फ्रेंड सस्पेंशन ओवरऑल का, तो हमने इसमें सस्पेंशन फुल ओवरऑल नहीं किया है, क्योंकि हमने खोला तो पूरा था लेकिन उसमें जो जो गया था वही हमने चेंज किया है, क्योंकि कस्टमर जी का थोड़ा खर्चा बचाने का, तो हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। तो हमारा जो आवाज़ था उसके लिए हमने सस्पेंशन इसका पूरा ओपन किया था, तो हमने सारे जो भी सस्पेंशन ओपन किया था उसको ऑयलिंग ग्रीसिंग करके हमने पूरा फिट कर दिया है, और हमारे जो कस्टमर का कंप्लेन था आवाज़ का वो भी सॉल्व हो गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आज का हमारा वीडियो था फॉर्चुनर का। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।